नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो चार का चक्रव्यूह में। चार के चक्रव्यूह में आज एक बात बहुत ही गंभीर मुद्दे पर हो रही है। दरअसल हमारे देश में अगर कोई इंसान एक धर्म के लिए अपनी आवाज उठाए तो उसकी आवाज दबाने वाले बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। अगर अपने धर्म को लेकर लोगों को जागरूक करे तो उसके लिए खतरा चारों ओर मंडराने लगता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि प्रशासन की तरफ से उसकी रक्षा के लिए सुरक्षा दी जाती है। काफी हद तक आप शायद समझ चुके होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आज चार के चक्रव्यूह में बात सब होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी दासना मंदिर के बारे में। जी हाँ, दरअसल अपने धर्म के लिए आवाज उठाने वालों को अक्सर दबा ही दिया जाता है या फिर सुरक्षा देने के बाद भी क्यों वो सुरक्षित नहीं रह पाते, ये सवाल सबसे अहम है। दरअसल दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दासना मंदिर बीते कुछ महीने पहले एक आसिफ नाम के बच्चे को लेकर काफी सुर्खियों में आया था। जी हाँ, तब पानी पीने के लिए गए मंदिर में बच्चे को लेकर काफी विवाद हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से वही दासना मंदिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल आज दासना मंदिर में आज बड़ी घटना सामने आई है। मंदिर परिसर में सो रहे पुजारी पर रात के अंधेरे में जानलेवा हमला किया गया है। दरअसल बिहार के रहने वाले नरेश आनंद सरस्वती पर चाकुओं से हमला किया गया और उनकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें, जिस समय नरेश आनंद पर यह जानलेवा हमला हुआ उस समय मंदिर के महंत नरसिंह आनंद सरस्वती भी कमरे में ही उनके साथ सो रहे थे। हालांकि पुलिस हमलावरों की तलाश के लिए मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। वहीं नरेश आनंद पर हुए इस जानलेवा हमले की जांच में जुटी पुलिस अब जुट गई है, साथ ही दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि दासना देवी मंदिर के महंत अक्सर अपने बेबाक बयानबाजी की वजह से आतंकियों के अक्सर निशाने पर रहते हैं और जानकारी के मुताबिक मंदिर परिसर में सो रहे जिन दो साधुओं पर हमला हुआ उनमें से एक का नाम नरेश आनंद स्वामी है और वो बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि नरेश आनंद स्वामी समेत अन्य साधु पर मंगलवार सुबह 4 बजे के आसपास बदमाशों ने मंदिर परिसर में ही घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ उन पर हमला कर दिया और साधु पर सोते समय हमला हुआ। वहीं नरेश आनंद बिहार से कुछ दिनों के लिए मंदिर में आए हुए थे। हमलावर हमला करने के बाद वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि नरसिंह आनंद को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है, जिसके बाद 24 घंटे मंदिर और पुजारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस का पहरा लगा रहता है। इसके बावजूद भी हमला होना हैरानी की बात है और यही वजह है कि साधुओं पर हमले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस घटना पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। ऐसा हुआ, रात 3:30 बजे के करीब एक नरेश आनंद नाम के महाराज हैं जो दरभंगा के हैं बिहार के, और मंदिर में उनका आना जाना रहता है, स्वामी जी के शिष्य हैं। रात वो सोए हुए थे और अचानक से किसी ने उन पर हमला बोल दिया। उनकी जो है गला रेत दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और उनका पूरा जो पेट है बिल्कुल फाड़ दिया है, जिसके पेट के ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। उन्हें वहाँ से ला के हमने यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती करा है। पुलिस की कार्रवाई तो ये है कि पुलिस गेट में भी रहती है रात में थाने की, और अंदर गार्ड डिप्लॉय है। महाराज जी को जब वार हुआ तो वो सीधे गार्ड रूम की तरफ भागे, क्योंकि गार्ड रात में सो जाती है। कई बार हमने इंडिकेट भी किया है कि भाई रात में थोड़ा जागा करो, कोई सुनता है नहीं। पुलिस की कार्रवाई लचर है, इसीलिए तो आज हमला हुआ है। अगर पुलिस की शक्ति होती तो हमला कैसे हो जाता। आज रात लगभग 3:30-4 बजे की घटना है। एक नरेशानंद जी हैं जो कि दासना मंदिर में रुके हुए थे, समस्तीपुर बिहार से 7 तारीख को आए थे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने। तो वो बाहर सोए हुए थे खुले में, तभी जैसा कि बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति आया और उसने उनके ऊपर कई वार किए चाकू से। तो अभी उनकी स्थिति ठीक है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है हॉस्पिटल में, तत्काल जानकारी मिलते ही वहाँ उनका इलाज चल रहा है। तो इसमें हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं कि क्या कोई बाहर से आया था या कोई आसपास का व्यक्ति, कोई जानकार भी हो सकता है। तो सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कैमरा सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है। बहुत ही जल्द जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि यूपी में साधुओं पर हुए हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। दरअसल इससे पहले भी यूपी में साधुओं पर इसी तरह के कई हमले हुए हैं। चलिए अब जरा आपको ये भी बता देते हैं कि यूपी में साधुओं पर कब कहां कौन सा हमला हुआ, आपको बता देते हैं। दरअसल 3 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर में पुजारी श्यामलाल की हत्या कर दी गयी थी। वही 14 अगस्त 2018 को औरैया में भी दो साधुओं समेत एक अन्य व्यक्ति की हत्या की गई थी। वहीं 19 अगस्त 2018 को मेरठ में पुजारी और उसके सेवादार की हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद 31 अगस्त 2018 को भी पीलीभीत में पुजारी रामेश्वर दयाल की हत्या की गई थी। उसी दिन साथ में बाराबंकी में भी एक पुजारी शमशेर सिंह की हत्या कर दी गई थी। वहीं 2019 की बात करें तो 2 जून को 2019 को रायबरेली में पुजारी स्वामी प्रेमदास की हत्या की गई थी। वहीं 14 जून को 2019 में मथुरा में एक साधु की हत्या की गई थी। वहीं 2019 की ही बात करें 1 सितंबर को हरदोई में साधु हीरा दास की हत्या की गई थी। वहीं 23 सितंबर 2019 को खापुड़ में भी एक साधु की हत्या कर दी गई थी, जबकि 23 अक्टूबर को 2019 को ही मुरादाबाद में साधु की हत्या की गई थी। वहीं 2020 की बात करें तो 18 जनवरी को चित्रकूट में महंत अर्जुन दास की हत्या की गई थी। वहीं 25 फरवरी 2020 को पीलीभीत में भी एक महंत की हत्या की गई थी। वहीं 23 जुलाई 2020 को सुल्तानपुर में एक साधु की और हत्या की गई थी और 6 सितंबर 2020 को कन्नौज में एक और साधु की हत्या की गई थी और उसी के दौरान 11 सितंबर को बिजनौर में भी एक साधु की हत्या को अंजाम दिया गया था। साथ ही 14 सितंबर को भी मेरठ में एक बार फिर से कांति प्रसाद की हत्या की गई थी। 5 अक्टूबर की बात करें तो मथुरा में एक और साधु की हत्या हुई थी। तो ये वो सारी घटनाएं थी जो सामने आ गई, लेकिन साधु पर होने वाली बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हैं जो अक्सर सामने नहीं आ पाती है। वहीं बीजेपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुना देते हैं। गाजियाबाद की जो घटना है, देवी मंदिर की घटना आज संज्ञान में आई है, इस पर दो साधु पर जानलेवा हमला हुआ है, वो बड़ा निंदनीय है और इस बात की जांच की जाएगी कि ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं, इससे दंगा फैलाया जा सकता है, इन सबको रोकने के लिए इन घटनाओं पर लगाम लगानी आवश्यक है। आपने देखा कि जो मंदिर डासना में है, देवी मंदिर, इस मंदिर पर पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, जो मूर्ति पर प्रसाद करने वाला और सब कुछ जो था इन्हीं मंदिरों पर हुआ था। वहाँ के महंत को भी सुरक्षा दी है हमारी सरकार ने, और अभी आज सुबह 4 बजे की घटना है तो इस पर प्रशासन पूरा अलर्ट है और प्रशासनिक तौर से जो मदद हो सकेगी वो करेंगे और जो लोग दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि सांप्रदायिक दंगा फैलाना, जो कि हमारी सरकार होने नहीं देगी। इसलिए मेरी यही अपील है लोगों से कि शांति बनाए रखें और इसमें जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और सरकार पूरा काम। देखिए, सोते वक्त साधुओं पर जो है चाकुओं से हमला किया गया है, कौन लोग इस घटना के पीछे हैं और उनकी मंशा क्या थी, किस वजह से उन पर हमला किया गया, क्या कोई आपसी रंजिश है या कोई संपत्ति विवाद है या किस तरह का मामला है, ये पुलिस इसकी जांच कर रही है। और इतना आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी इस घटना में शामिल है, चाहे वो कोई भी लोग हो, पुलिस उन तक पहुंचेगी और उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कहते हैं कि जब भीम खाते थे तो शकुनी के पेट में दर्द होता था। इस कथन में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन ये सच से परे नहीं है कि जब कांग्रेस पार्टी के और 17 विपक्षी दलों के 45 नेता कपिल सिब्बल के निमंत्रण पर सोमवार को रात डिनर पर एकत्रित हुए तो कांग्रेस आलाकमान के कई नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया और होना लाजमी भी था। अगर सिब्बल को सिर्फ अपना जन्मदिन ही मनाना था तो फिर वहां विपक्षी नेताओं की क्या जरूरत थी। आलाकमान को शक है कि जन्मदिन की पार्टी के नाम पर ये सिब्बल और कांग्रेस के G23 के नेताओं द्वारा राहुल गांधी जैसे पार्टी के बड़े नेता के कद को छोटा करने की एक कवायद है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के
वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल ने विपक्षी पार्टी के नेताओं को सोमवार को डिनर पर बुलाया। इस डिनर में 15 पार्टियों के करीब 45 नेता और सांसद जुटे। इसमें लालू यादव, शरद पवार, अखिलेश यादव, डेरेक ओब्रियन, सीताराम येचुरी और संजय राउत जैसे नेता शामिल हुए। इतना ही नहीं, इसमें बीजेडी के पिनाकी मिश्रा, अकाली दल के नरेश गुजराल और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी शामिल हुए। साथ ही टीडीपी, टीआरएस और वीएसआर, कांग्रेस और आरएलडी के नेता भी शामिल हुए। ये वो पार्टियां हैं जो अमूमन विपक्षी पार्टियों की बैठकें या तो बुलाई नहीं जाती या फिर आते ही नहीं हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने नाश्ते पर बुलाया था तो आम आदमी पार्टी न्योते के बाद भी शामिल नहीं हुई थी। बता दें कि सिब्बल रविवार 8 अगस्त को 73 साल के हो गए हैं और अभी हाल ही में राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर आमंत्रित किया था जिसमें 15 विपक्षी दलों के नेता पहुंचे थे। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग उन्हें विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखी गई थी और वो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक सांकेतिक संदेश था कि 2024 आम चुनाव के मद्देनजर अगर विपक्षी एकता सफल रही तो उसके नेता राहुल गांधी ही होंगे, न कि ममता बनर्जी। जहां राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट आयोजित करके ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश की तो वहीं अब कपिल सिब्बल की कल रात की डिनर मीटिंग राहुल गांधी को कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है, खासकर कांग्रेस वाला कमान द्वारा, जिनका मानना है कि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में लगे हुए थे तो फिर इस डिनर का कोई औचित्य नहीं था। जिस बात में कांग्रेस आलाकमान को पेट में सबसे ज्यादा दर्द हुआ वो था कि कई ऐसे दल और नेता सिब्बल के घर डिनर पर पधारे जो राहुल गांधी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। राहुल गांधी की मीटिंग से विपक्षी दलों के बड़े नेता दूर रहे थे और उन्होंने अपने दल से ऐसे नेताओं को भेजा था जिनका उनके दलों में निर्णायक की कोई भूमिका नहीं होती है। पर सिब्बल के डिनर पार्टी में एनसीपी के शरद पवार, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला शामिल थे जो राहुल गांधी के नाश्ते से दूर दिखे थे। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के आमंत्रण को ठुकरा दिया था पर सिब्बल की डिनर पार्टी पर आप नेता संजय सिंह मौजूद रहे थे। G23 के कई दिग्गज नेता जैसे कि गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान, मनीष तिवारी सरीखे नेता शामिल थे। कांग्रेस पार्टी में 23 नेताओं ने पिछले साल अगस्त के महीने में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था जिसमें पार्टी में अंदरूनी चुनाव कराने की मांग की गई थी। पत्र में ये लिखा गया था कि बीजेपी से लोहा लेने के लिए पार्टी में ऐसे चुने हुए फुल टाइम नेताओं की जरूरत है जो सक्रिय हो और जनता के बीच दिखे भी। इसे गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह माना गया था क्योंकि सोनिया गांधी बगैर चुनाव के सितंबर 2019 से कांग्रेस पार्टी की आंतरिक अध्यक्ष हैं और अपनी खराब तबीयत की वजह से वो सक्रिय नहीं रह पाती हैं। जनता के बीच जाना उन्होंने जमाने पहले ही छोड़ दिया था और अब राहुल गांधी पर आरोप लगता रहा है कि वो सिर्फ चुनावों के समय में ही सक्रिय दिखते हैं। पिछले एक साल का लेखा जोखा है कि गुलाम नबी आजाद को पहले कांग्रेस महासचिव पद से और अब बाद में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से आजाद कर दिया गया है। अब वो राज्यसभा के सदस्य भी नहीं रहे क्योंकि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। जितिन प्रसाद हताश होकर कांग्रेस को अलविदा कहते हुए बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बाकी अन्य G23 नेताओं को पार्टी से दरकिनार कर दिया गया है और पार्टी पिछले दिनों हुए 5 राज्यों के चुनाव में तरह से पराजित हुई थी। एक साल पहले पार्टी ने यथाशीघ्र अंदरूनी चुनाव कराने की बात कही थी। कोरोना की दूसरी लहर आकर चली गई लेकिन चुनाव कराने की प्रक्रिया भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। वहीं सिब्बल के घर पर डिनर पार्टी उस समय आयोजित की गई जब खबर आई थी कि अगले महीने सोनिया गांधी अपने इलाज के लिए अमेरिका जाने से पहले पार्टी में एक कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त करेंगी। आमतौर पर जब भी सोनिया गांधी इलाज के लिए अमेरिका जाती हैं तो साथ में राहुल गांधी भी उनके जाते हैं और पार्टी उनके लौटने तक अनाथ हो जाती है। लगता तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अभी चुनाव कराने के मूड में है क्योंकि चुनाव से गांधी परिवार को खतरा हो सकता है, खासकर अगर कोई गैर गांधी पार्टी अध्यक्ष बन गया तो।
वहीं राहुल गांधी का बिना पद के पार्टी चलाना और उनका दबदबा खतरे में पड़ सकता है। इसलिए लगता है कि आलाकमान ने चुनाव टालने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त करने का फैसला किया है। खबरों के अनुसार 5 नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें सबसे ऊपर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम है। उन 5 नामों में गुलाम नबी आजाद का नाम भी बताया गया है, पर कार्यकारी अध्यक्ष अगर कोई और बना तो वो कमलनाथ ही होंगे, क्योंकि उनसे गांधी परिवार को कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं दिख रहा है। आजाद का नाम उस सूची में G23 के नेताओं को भ्रमित करने के लिए शामिल किया गया था, और G23 ने सोमवार को सिब्बल के डिनर पार्टी में साबित कर दिया कि अगर गांधी परिवार न हो तो एक व्यापक विपक्षी एकता संभव है। और ऐसा लगता है कि सोमवार रात को G23 ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है, जिसकी आवाज सीधे 10 जनपद और 12 तुगलक लेन, जहां क्रमर्श सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहते हैं, वहां पहुंच गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सिब्बल के डिनर मीटिंग का जवाब कांग्रेस आलाकमान किस तरह देगी, पर इतना तो तय है कि आने वाला समय काफी रोमांचक रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कर दिया है। जी हां, योजना की शुरुआत यूपी के महोबा जिले के लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंप कर किया गया है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े और मोदी ने इस दौरान देश की जनता को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज उज्ज्वला योजना के अगले चरण में कई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल रहा है। मैं सभी लाभार्थियों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 7.5 दशकों की प्रगति को हम देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां, कुछ हालात ऐसे हैं जिनको कई दशक पहले बदला जा सकता था। घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक मूल आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए दशकों इंतजार देशवासियों को करना पड़ा। ये बेहद ही दुखद है। और क्या कुछ पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आपको भी सुनाते हैं। करोड़ गरीब परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो संकट काल में हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। साथियों, उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है। बीते 6-7 साल में देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2014 में 2,000 से भी कम वितरण केंद्र थे। आज यूपी में इनकी संख्या 4,000 से ज्यादा हो चुकी है। इससे एक तो हजारों युवाओं को नए रोजगार मिले और दूसरा, जो परिवार पहले बेहतर सुविधा के अभाव में गैस कनेक्शन से वंचित थे वो भी जुड़ गए। ऐसे ही प्रयासों से आज भारत में गैस कवरेज 100% होने के बहुत निकट है। 2014 तक देश में जितने गैस कनेक्शन थे उससे अधिक बीते 7 साल में दिए गए हैं। सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर पहले जो परेशानी आती थी उसे भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, उज्ज्वला योजना से जो ये सुविधाएं बढ़ी हैं, उसमें आज एक और सहूलियत जोड़ी जा रही है। बुंदेलखंड सहित पूरे यूपी और दूसरे राज्यों के हमारे अनेक साथी काम करने के लिए गांव से शहर जाते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, लेकिन वहां उनके सामने एड्रेस के प्रमाण की समस्या आती है। ऐसे ही लाखों परिवारों को उज्ज्वला दूसरे चरण योजना सबसे अधिक राहत देने वाली है। अब मेरे श्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए
इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार को आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को एक प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर लगे भड़काऊ नारों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आने लगी है। दरअसल 8 अगस्त को जंतर मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इनमें अश्वनी उपाध्याय के अलावा विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह, दीपक भी शामिल हैं, जिन्हें जंतर मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के आगाज के दौरान बहकाऊ भाषण देने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद अश्वनी उपाध्याय और अन्य लोगों के समर्थन में कुछ लोग कनॉट प्लेस थाने के बाहर इकट्ठा हो गए थे और लगभग 15 मिनट तक सड़क पर जाम लगाया और थाने के अंदर भी घुसने की लोगों ने कोशिश की। इनकी वजह से ट्रैफिक भी काफी देर तक प्रभावित हुआ। हालांकि बाद में पैरामिलिट्री फोर्स बुलाकर सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं अब इस पूरे समय में बता दें ये लोग पुलिस की एक बस में हैं और प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थी। दरअसल 9 अगस्त की देर रात को ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें कनॉट प्लेस थाने में बुलाया था, जिसके बाद से ही उनसे पूछताछ चल रही है और इस मामले में अब इन सभी लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि इन लोगों को आज पटियाला कोर्ट में पेश किया जा सकता है और इस मामले में अश्वनी उपाध्याय की सफाई भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने नारे नहीं लगाए और ना ही मैं नारे लगाने वालों को जानता हूं। दरअसल अश्वनी उपाध्याय के पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार देर शाम दिल्ली पुलिस की तरफ से अश्वनी उपाध्याय को मामले में पूछताछ के लिए कनॉट प्लेस थाने में आने के लिए कहा गया था और इसके बाद से ही वो थाने पहुंचे। तब से उनसे पूछताछ ही चल रही है और इस दौरान उन्हें उनके परिवार के लोगों के अलावा अन्य किसी से भी संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। वही रविवार को जंतर मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो गया था, जिसमें धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। सोशल मीडिया पर भी अश्वनी उपाध्याय को गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही थी। वहीं बता दें आपत्तिजनक वीडियो के मामले में 9 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज कर ली थी, जिसमें अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था और ऐसे में दिल्ली पुलिस को इस वीडियो में शामिल शहरों की तलाश थी। हालांकि अश्वनी उपाध्याय समेत भारत जोड़ो आंदोलन से जुड़े सभी आयोजकों ने कहा था कि उनका प्रदर्शन केवल एक खंजे का ही था। इस दौरान उनके कार्यक्रम में कोई नारेबाजी नहीं की गई थी, लेकिन उपाध्याय ने वीडियो की सत्यता की जांच करने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने इस वीडियो के संदर्भ में दिल्ली पुलिस के पास एक शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्हें और उनके आंदोलन को गलत तरीके से बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। वहीं अश्वनी उपाध्याय ने भी नारेबाजी करने वाली बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनके कार्यक्रम में किसी ने भी नारेबाजी नहीं की। उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने खुद दिल्ली पुलिस को शिकायत देकर इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। वहीं अश्वनी उपाध्याय ने कहा है कि उनको नहीं पता कि नारेबाजी करने वाले कौन लोग हैं और ये कहां से आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वो कार्यक्रम में रहे तब तक उन्होंने किसी को भी ऐसे नारेबाजी करते हुए नहीं देखा और ना ही सुना। इसकी जांच जरूर करना चाहिए और यदि वीडियो फर्जी है तो उनके भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ दुष्प्रचार भी किया जा रहा है। वहीं बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने अश्वनी उपाध्याय का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अश्वनी उपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जो दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी पूर्व बीजेपी प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय का समर्थन किया है। चार के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।